नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज एक बहुत दुखद खबर आ रही है। देश के रतन कहे जाने वाले रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अलविदा कह दिए हैं। दरअसल आज शाम को 9 बजे मुंबई के कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कहा यह जा रहा था कि लगातार खबरें आ रही थी कि उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बीच में वो पिछले सोमवार को अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, कैंडी अस्पताल में। वहाँ उन्हें आईसीयू में एडमिट होना पड़ा था। उसके बाद फिर कुछ खबरें आई, उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ। लेकिन आज शाम तक खबर आने लगी कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। हालाँकि 7 अक्टूबर को हिंदू अखबार में इस बात की पुष्टि हुई थी कि वो आईसीयू में हैं और उनकी तबीयत थोड़ी सीरियस होती जा रही है। और आज शाम के 9 बजे खबर ये आई कि वो अब इस दुनिया से अलविदा कह दिए हैं। उनके अलविदा कहते के साथ में पूरे देश भर में शोक की लहर सी छा गई। अलग अलग जो दिग्गज हैं, नेता हैं, उनके अलग अलग बयान सामने आए हैं, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने कहा कि रतन टाटा के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। वो भारतीय उद्योग के दिग्गज थे, जो हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग की नींव थे। उनके उल्लेखनीय योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा मन रतन टाटा जी के जाने से टूटता जा रहा है। मैं अनगिनत बार उनसे बातचीत से भरा हुआ हूँ। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री रहा करता था, तब मैं अक्सर उनके साथ बातचीत किया करता था और उनके विचार मुझे काफ़ी पसंद थे। उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगता था। वहीं अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी, उनका बयान आया कि भारत एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। वो सिर्फ एक बिजनेस रीडर ही नहीं थे, बल्कि उनका अखंडता, करुणा और व्यापक भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम उन्होंने किया था। उसके अलावा साथियों, अगर बात करूँ राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी ने का बयान आया कि वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापक और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। तो साथियों, इस तरीके से अलग अलग नेताओं की अलग अलग बयान आया है। उनके मामले में मैं कुछ आप लोग से बात बताना, और उनको लगातार हम जैसे युवा, बहुत सारे युवा एक प्रकार से प्रेरणा मानते हैं। लगातार उनके बारे में जो भी कहा सुना गया, मैं तो लगातार उन पर रिसर्च करता रहता था, सुनता रहता था, पढ़ता रहता था। आपको एक किताब दिखाना चाहूँगा रतन टाटा की, इनके ऊपर थी। जब ये 75 वर्ष के करीब हो गए थे, आज से 10-12 साल पहले जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, तब उस वक्त ये किताब एक छपी थी। और इस किताब में उनके बारे में पूरा डिटेल है, उनके जीवन के बारे में, किस प्रकार से वो कभी उन्होंने ज़िंदगी में हार नहीं मानी। खास तौर से उनका जो जीवन है वो युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहा है। बहुत सारे युवाओं को मैं देखते सुनते आ रहा हूँ कि मैं हम कहीं ना कहीं असफल हो गए हैं, हमने अपने माता पिता की वजह से, वो हमको इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए। रतन टाटा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, रतन टाटा के जो पिताजी थे वो उनको मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। उनका जो सोच थी, उनकी जो विचार थी, वो कहीं ना कहीं उनके पिताजी से अलग थी। अक्सर उनसे किसी बात पे बहुत अलग विचार दोनों के आ जाते थे, लेकिन वो कभी नाराज नहीं हुए उनसे, कभी वो उन पर ब्लेम उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करी, लेकिन उसके बाद धीरे से वो अपने पिताजी को समझा करके जो वो करना चाहते थे वही कहा, उन्होंने आर्किटेक्ट का कोर्स किया। तो ये जो व्यक्ति थे, बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सरल और सौम्य, इसी नाम से उनको जाना जाता था। उनका जो जीवन है वो, उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया, स्ट्रगल करके वो आगे बढ़े और आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। ऑटोमोबाइल के एक प्रकार से किंग थे वो, और उन्होंने अपने जीवन में टाटा ग्रुप को काफ़ी आगे बढ़ाया। यही कारण था कि जमशेदजी टाटा के बाद उन्होंने अपनी जो उत्तराधिकारी की जो गद्दी थी वो रतन टाटा को सौंपी। इनके बारे में पूरा डिटेल रिसर्च करके आज शाम को करीब 8 बजे हम गूंज लाइव में लेके आएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से उनके जीवन में अलग अलग स्टोरी कहानियां हैं उनकी, अलग अलग तरीके की। किस तरीके से एक बार उन्होंने बाहर, वो गए थे तो बाहर एक उद्योगपति ने उनका अपमान कर लिया था,
जिसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उस उद्योगपति को भारत वापस आने के बाद में उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। और इस तरह की अनेक कहानियां मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा रात को 8 बजे। आज रात को 8 बजे देखना मत भूलिएगा गूंज लाइव न्यूज़ को। और हम लोग का प्रयास यही है दोस्तों, हर प्रकार से आप लोग के लिए पॉजिटिव निगेटिव हर प्रकार की जो न्यूज़ हैं खबरें हम अब तक लेके आए, आप लोग के लिए लड़ना ही हमारा फर्ज है। हमारा आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको हम आप लोग अपने इस चैनल में एक प्लेटफॉर्म पे रख करके आप लोग की समस्याओं को सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, मकसद यही है हमारा। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गूंज लाइव न्यूज़ को, और आज शाम को फिर मिलते हैं 8 बजे रतन टाटा जी की कहानी के साथ। देखना मत भूलिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जा करके। फिलहाल के लिए मुझे विदाई दीजिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी भिलाई एवं छत्तीसगढ़ वासियों को इस नवरात्र की एवं दशहरा पर्व की मैं अपनी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, आप सबके परिवार को स्वस्थ रखे, समाज में खुशहाली आए, यही कामना माता रानी से आप सबके लिए करता हूँ। जय माता।